Assalamu alaikum student, from ISCS Montessorian School System. Here is our online lecture number 13 of class 5 English. Let's start our today's lecture. In the previous lecture, we have solved exercise of our poem. This morning is our history test. Half question solved kar liye the. यहाँ तक ठीक है. नेक्स्ट आज हम अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. दिस क्वेश्चन आर मोर टिपिकल एंड कंसेप्चुअल, सो हम ये क्वेश्चन नहीं करेंगे. ओके, सी एंड डी. क्वेश्चन 3 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट. इनसाइड माय कोट आई रोट माय नोट्स इंक्लूडिंग डेट्स एंड फेमस कोट. इस कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग हमने आंसर देने हैं इसके रेफरेंस से. एक क्वेश्चन है, लिस्ट 5 टॉपिक्स दैट द नोट्स वर अबाउट. हमने वो टॉप 5 टॉपिक्स बताने हैं जिनके बारे में नोट्स थे. सो द आंसर इज डेट्स, फेमस क्योट्स, नेम ऑफ ओलंपिक विनर्स, बिल्डिंग्स, पीपल, प्लेसेस, एंशियंट रोम, एंशियंट ग्रीस, एवरीथिंग फ्रॉम शेक्सपियर प्लेस एंड द इन्वेंटर ऑफ मायोनीज. दीज वर द टॉपिक्स दैट द नोट्स वर अबाउट. ओके, सेकेंड क्वेश्चन इज विच फ्रेज फ्रॉम दिस लाइन इज रिपीटेड एल्सवेयर वेयर. ठीक है, कि इनमें से कौन से लफ्ज़ हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं कहीं भी, ठीक है, और कहाँ, वो हमने बताने हैं. सो द आंसर इज द फ्रेज डेट्स एंड फेमस क्वोट्स रिपीटेड इन द फाइनल स्टैंजा. कि आखिरी स्टैंजा में जो डेट्स और फेमस कोटेशंस का जो कोट्स का जिक्र है वो रिपीट हुआ है फर्स्ट स्टैंजा में एंड फिर लास्ट स्टैंजा में. नेक्स्ट एक्सरसाइज पार्ट बी, वर्किंग विद वर्ड्स कंपैरिजंस. कंपैरिजंस क्या होते हैं, कि हम किस तरह से एक जिसको दूसरे चीज से कंपैरिजन करते हैं या एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से कंपैरिजन करते हैं, उनका मुवासना करते हैं, उन्हें किस तरह से जोड़ते हैं. व्हेन वी कंपेयर थिंग्स इन इंग्लिश, जब हम किसी भी कोई भी चीज़ या चीज़ों को हम इंग्लिश में एक दूसरे से कंपेयर करते हैं, वी यूज द वर्ड्स एज. ठीक है, सो हम क्या यूज़ करते हैं, एज यूज़ करते हैं. एज दिस, दिस मतलब एज, फिर आगे सेंटेंस होता है अगर इस तरह से होता है तो एज आर लाइक, या फिर लाइक यूज़ करते हैं. ठीक है, कि वो इस तरह से है. इस हम एग्जांपल देखते हैं, आपको समझ आएगी. एग्जांपल, एज ड्राई ऐसा बोन, इतना खुश्क जैसा कि वो होती है बोन, किसको कहते हैं, ठीक है, ऐसे ड्राई जैसे हड्डी, लाइक अ ड्राई बोन, या फिर लाइक हम यूज़ कर सकते हैं जैसे कि खुश्क हड्डी. ठीक है, कैसा खुश्क जैसे कि खुश्क हड्डी, या एज ड्राई एज अ बोन, ये दोनों एज एज या फिर लाइक. सो हम जब किसी चीज़ का, अब देखिए, अब ये ड्राई को किस चीज़ से कंपेयर कर रहे हैं, बोन से. ठीक है, कंपेयर कर रहे हैं ना. सो जब हम किसी दो चीज़ों को आपस में कंपेयर करते हैं, सो हम एज एज लगाते हैं या फिर हम लाइक लगाते हैं. हेयर आर सम मोर वेल नोन कंपेरिजन, जैसे कि एज कूल एज अ कुकम्बर, एज कोल्ड एज अ स्टोन, एज फिल्म एज रॉक, एज दैट एज डोर नेल, एज फ्रीज एज अ टाइगर, एज चेंजेबल एज द वेदर. ठीक है, मतलब ये डिफरेंट कंपेरिजन है जो हम कर सकते हैं, जिनको हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ से रिलेट करते हैं. ठीक है, उनके बीच में कंपेरिजन करते हैं. सो हम बीच में सेंटेंस दो चीज़ों के दरमियान या एज लगाते हैं या हम लाइक लगाते हैं, कि वो उसके जैसा, हम कहते हैं कि वो उसके जैसा बहादुर, अली शेर की तरह बहादुर है. ठीक है, सो हम लिखेंगे अली इज़ ब्रेव ब्रेव एज लाइन. ठीक है, ही इज एज ब्रेव एज लाइन, कि वो शेर की तरह बहादुर है. नाउ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मैच द इडियम्स गिवन अबव द डिस्क्रिप्शन गिवन बिलो. नीचे जो दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन, हमने उनके साथ जो ऊपर इडियम्स दिए हुए हैं उनको हमने क्या करना है, मैच करना है, कि कौन सा किस डिस्क्रिप्शन के साथ, किस लाइन के साथ कौन सा इडियम सूट करता है, मैच करता है. सो ए है अ पर्सन हु इज श्योर अबाउट व्हाट ही थिंक्स. क्या, कि कोई आदमी
उसे यकीन है उस बारे में जो वो सोचता है। सो इसका आंसर है एस फिल्म एस रा, कि इतना पुख्ता कि जिस तरह से इतना सख्त जैसे कि चट्टान, ठीक है, जैसे चट्टान होती है जो अपनी जगह पे मुजम्मद होती है, ठीक है, अपनी जगह पे रहती है, इस तरह से मजबूत होती है, उसी तरह से मजबूत या फिर उसी तरह से पुख्ता। बी अ पर्सन हु कीप्स काम, के वो पर्सन वो आदमी जो के काम, जो कि मतलब ठंडा रहता है, गुस्सा ज़्यादा नहीं करता, ठीक है, मेहरबान रहता है। सो इसका एज कूल एज अ कुकम्बर, के कुकम्बर की तरह ठंडा, जिस तरह से कुकम्बर ठंडा होता है वैसे। अ पर्सन हु एक्ट्स फ्रेशली, के जो क्या करता है कि जो गुस्सा होता है, ठीक है, गुस्से में करता है या फिर खूनखार। सो एज बोल्ड एज अ लायन या एज बोल्ड एज अ टाइगर। समथिंग विच इज़ डेफिनेटली नॉट अलाइव, कि वो चीज़ जो कि यकीनन अलाइव का मतलब होता है जिंदा नहीं है, ठीक है। सो एज डेट एज अ डोरनेल। अ पर्सन हु शोज नो फीलिंग्स आर इमोशन, वो बंदा कि जिसमें कोई फीलिंग्स ना हो, कोई इमोशन ना हो, तो हम उसे कहते हैं एज कोल्ड एज आइस, के बर्फ की तरह ठंडा, इसमें कोई फीलिंग्स कोई इमोशंस नहीं है। नेक्स्ट लास्ट है पर्सन हु चेंजेस मूड इजली, जो इजली का मूड चेंज कर सके, एक मिनट में उसका मूड और हो एंड सेकेंड मिनट में उसका मूड, और एक मिनट में गुस्सा है सेकेंड मिनट में वो काम है, तो हम कहते हैं एज चेंजेबल एज द वेदर, के इस तरह चेंज होता है जैसे कि वेदर, जैसे कि मौसम चेंज होता है, मौसम कभी खबर नहीं होती, कभी बारिश अचानक से आ जाती है, कभी जो है वो धूप होती है। सो एज चेंजेबल एज वेदर, के किस तरह जैसे मौसम का चेंज होता रहता है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज यूज द कंपेरिजन इन इंटरेस्टिंग सेंटेंसेज ऑफ यूर ओन, इन कंपेरिजन को ये ऊपर दिए हुए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, इनको आपने अपने सेंटेंसेज में यूज़ करने हैं, कि मीन आपके सेंटेंस में ये वर्ड आए एज फिर ऐसा रा, ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा था अली के बारे में, या अली इज़ ब्रेव एज, अली इज़ एज ब्रेव एज लायन, ठीक है, या अली इज़ एज फ्राइज एज अ टाइगर, ठीक है। सो हम कहें तो इस तरह से आपने सेंटेंस में ये जो कंपैरिजन है, ये जो वर्ड्स हैं, ये आपने लिखने हैं जो सेंटेंस में आते हैं। तो दिस इज़ योर होम टास्क, यू हैव टू डू इट बाय योर सेल्फ। सेकेंड थिंग इज आपका सी पार्ट का लर्निंग अबाउट लैंग्वेज का फर्स्ट क्वेश्चन, मेक लिस्ट ऑफ कंजक्शन प्रपोजिशन एंड इंटरजेक्शन इन द पैसेज बिलो। इस पैसेज में आपने इंटरजेक्शन कंजक्शन एंड प्रपोजिशन को आपने अंडरलाइन करना है, उनकी लिस्ट बनानी है, ठीक है। हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पे कंजक्शन इंटरजेक्शन प्रपोजिशन सबके बारे में पढ़ चुके हैं, हमारा कंप्लीट लेक्चर था इस बारे में और सही डिटेल में पढ़ा था, होप आपको याद होगा और आपको समझ भी आ गया होगा। आप आपने क्या करना है कि आपने इस पैराग्राफ में से कंजक्शन इंटरजेक्शन एंड प्रपोजिशन को अंडरलाइन करना है। दिस इज योर होम टास्क, ठीक है। ये रिवीजन है आपकी कि आप जो रीड कर चुके हैं पिछले यूनिट में पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, वो आपको कितनी याद है, वो आपको कितना उसकी समझ है, ठीक है। सो ये आपका होम टास्क है। सो आपके दो होम टास्क हैं, और जो क्वेश्चन हैं आपने अपनी नोटबुक पे लिखने हैं एंड डू आल्सो मेमोराइज दैट। सो इट वॉज आवर टूडेज लेक्चर, होप आपको सब क्लियर होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम अपना नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।